बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सब बहन भाइयों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला के फजल करम से सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। हमेशा की तरह बहन भाइयों से हमारी रिक्वेस्ट होती है कि जिन बहन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि जो भी हम नई वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन सब बहन भाइयों को हर वक्त पहुँच कर दें। तो इसी के साथ ही हम आज की वीडियो करते हैं आगाज़। तो आज की वीडियो हमारी कुछ इस तरह की है। सुबह सुबह का टाइम है तो अब्बास भाई और बाबी महवेश तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए, क्योंकि रात इधर हमारे पास ही रुके थे। अभी वो तैयारी करते हैं फिर उनको अलविदा करते हैं। चलो ठीक बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, शादो आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। इसी के साथ मैं करती हूँ आज की वीडियो शुरू। आज की वीडियो मेरी कुछ इस तरह की है कि मेहमान आए थे वो चले गए हैं, तो अब ये चीज़ें वगैरह समेटनी है, जो भी काम करना है मैं जो भी काम करती हूँ अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ। तो इसी के साथ साथ बहन भाइयों से हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ और जो भी सीन बनता है अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ। तो बच्चे बाहर मेरे खेल रहे हैं, ये बच्चों का पीछे से शोर नज़र आ रहा है, खेल रहे हैं। आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, धूप निकली नहीं है। मुझे बिस्तर वगैरह उठा के मैं रखती हूँ उधर पेटी में, पहले निकाले हुए हैं जो भी चीज़ें निकाली हुई हैं वो समेटती हूँ, क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, धूप निकली नहीं है, आज हवा भी चल रही है तो सर्दी काफ़ी ज़्यादा है। तो बच्चे खेल रहे हैं, इनका पीछे से शोर भी सुनाई दे रहा है, क्योंकि फिर इनको थोड़ी देर बिस्तर में लेके बैठूंगी और इनको होमवर्क वगैरह करवाऊँगी वरना बीमार ना हो जाए सर्दी ज़्यादा होने की वजह से। पेटी खोल ली है, बिस्तर वगैरह बिच रख लेनी। फिर दिए जी, चलो एक मिनट ना ओ छाड़ा मेरे हल करो जी। सारी चीजें खुद ही उठा के रखनी पड़ेंगी, इनके पापा चले गए काम।
तो अब ये सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा। बेटा बिस्तरे च बैठ जाओ, सर्दी है नहीं ज्यादा है ना, खांसी अगे हो रही थानू। खाली खाली
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं करती हूँ पहले कपड़े प्रेस, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हैं। आज वैसे मौसम ख़राब है, काफ़ी हल्की फुल्की बारिश हो रही है, कणमण शुरू हो गई है, तो काफ़ी बादल है आसमान पर। तो अंदर बच्चे वैसे तो बैठते नहीं, जो मामा बिटिया मेरे पास ही अभी भी खड़ी है। तो ये मेरी मामा बिटिया अभी लगी, मैंने कहा कपड़े प्रेस करने हैं, तो ये भी कपड़ों को शुरू हो गई है। तो ये बर्तन अभी साफ करने वाले धोने वाले जो भी रखती हूँ, वरना बच्चे ये भी तोड़ देंगे। तो पहले अब मैं कपड़े प्रेस करती हूँ, बाद में कोई और काम करती हूँ, बर्तन बाद में रखूँगी, पहले कपड़े प्रेस करती हूँ। आज आसमान पे बादल ही बादल हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं है, तो ये कणमण हल्की सी हो रही है और फर्श वगैरह थोड़ा थोड़ा गीला हो गया हुआ था, तो आप पता नहीं कितने दिन जी इस तरह झड़ वगैरह रहता। अगर धूप निकले तो फिर सर्दी वगैरह, फिर भी कुछ ऊपर इंसान छत पे बच्चों को भेज देता है तो उतर जाती है। इस तरह तो बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, तो अब मैंने ये पहले सफाई वगैरह की है, तो अब ये सारे बाथपुरे वगैरह हर चीज़ धो ली है, तो अब कपड़े प्रेस करने वाले रह गए हैं। तो मामा बिटिया का दिल है कि मुझे ना, मामा बिटिया मेरी का दिल है कि मुझे ना फीडर वगैरह मिल जाए दोबारा। फिर मैंने इसे कहा कि मैं कपड़े प्रेस कर लूँ तो फिर मैं आपको देती हूँ फीडर बना के। तो ये कवा भी आके बैठ गया कि रोटियाँ पत्नी बाहर खड़ी हैं, मामा बिटिया बाहर खड़ी है तो रोटियाँ मुझे देगी खाने के लिए कवे को ना। चलो फिर पीछे हो जा, मैं कपड़े प्रेस करूँ। कवा कवा कह रहा है मामा रोटियाँ लेके आ रही है। तो अब ये है कबीर बेटे की पैंट, अब ये सारे मैं जल्दी जल्दी प्रेस कर लेती हूँ इसी तरह कैमरा चला के। आई